सबोली बाबा मोहनदास गौशाला में योगी सतपाल नाथ जी द्वारा 41 दिन पंचदूनी तपस्या 14 जून को संपूर्ण होगी और 15 जून 2022 को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। योगी सतपाल नाथ जी महाराज की यह 16वीं तपस्या है। देखिए उनकी तपस्या के बारे में क्या कहते हैं उनके शिष्य। मेरा नाम योगी अमितनाथ है। मैं योगी बाबा सतपाल नाथ जी का शिष्य हूँ, नारी गांव से। यहाँ पे हमारे बाबा जी तपस्या कर रहे हैं गुरुजी। हम गुरुजी की सेवा कर रहे हैं। गुरुजी 3 घंटे 12 से 3 दोपहर में कठिन तपस्या करते हैं दोनों के बीच में, पंचदूनों के बीच में, और हम बाबा जी सेवा में रहते हैं। ये गौशाला हमारे गुरुजी की, जो हमारे गुरुजी ने बड़े परिश्रम से बनाई है। अमित राजी कितने साल हो गए गुरुजी को तपस्या करते हुए? गुरुजी को तपस्या करते हुए 16 साल हो गए। ये गुरुजी की 16वीं तपस्या है जो अभी संपूर्ण, ये 15 तारीख को संपूर्ण होगी। ये 14 को संपूर्ण होगी और 15 तारीख का संपूर्ण भंडारा है जिसमें साधु संत आए हैं दूर दूर से, और एक भंडारा भव्य रूप में होगा। ये गुरु गोरखनाथ जी की भभूति है, इसके बिगड़ तो हम कोई भी काम नहीं करते, और इसी में शक्तियाँ हैं। बाबा भोलेनाथ की भभूत होने की भभूत है ये। गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद है, उसके आशीर्वाद से भभूति में ही शक्ति है। तो कितने घंटे बैठेंगे महाराज जी आप इसमें? ये जब तक आँच रहेगी 3 घंटे 4 घंटे हो जाओ, 2.5 घंटे हो जाओ, इतनी देर तक रहे। मांगते क्या आप? बस इस भगवान की मनो, इसके भजन में लीन रहना। इस क्रिया से हम इसका भजन करते रहते हैं। ये शिव जी भगवान की क्रिया है, ये करना हमारा कर्तव्य फर्ज है। ये जगत कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, और गौ सेवा के लिए, गौ धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए ये क्रिया कर रहे हम और करते रहेंगे। तो संपूर्ण कब होगी महाराज? कितने दिन की? ये 15 तारीख को भंडारा है जी, 15 तारीख को संपूर्ण हो जाएगी 41 दिन की। और हमारी नाथ संप्रदाय के सभी संत इकट्ठे होंगे और भंडारा लगेगा, और देश के लिए, समाज के लिए दुआ मांगेंगे, भजन करेंगे। तो चलते हुए दोनों के बीच में बैठेंगे? हाँ जी, भजन है ये, इसके अग्नि के बीच में भजन होता है।